सुशांत सिंह राजपूत के पिता को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने की थी फिल्म पर रोक लगाने की मांग। सुशांत की फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। सुशांत सिंह राजपूत के निजता के अधिकार उनकी मौत के साथ खत्म हो गए। हाईकोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को बड़ा झटका दिया है। अभिनेता के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस को बैन करने वाली याचिका को खारिज करते हुए फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह बनाम सल्ला एस सारावगी और अन्य के नाम दर्ज इस मामले में जस्टिस ने कोई भी निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए कहा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही उनके तमाम अधिकार भी खत्म हो गए हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एक्टर्स की निजता के अधिकार का हनन करने के तहत मामला दायर किया था। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स के साथ साथ प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट्स के अधिकार भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ खत्म हो गए। किसी की मौत के बाद ये अधिकार उनके किसी भी सगे संबंधी को विरासत में नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लपालप ओरिजिनल नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म न्याय द जस्टिस की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फिल्म जून 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को माना कि फिल्म में दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में पहले से मौजूद रिपोर्ट से ली गई है और इसीलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है। ऐसे में इन रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म बनाने में कोई गलत बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि मेकर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया था, खासकर उनके पिता के अधिकारों का तो बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि जब यह जानकारी मीडिया में आई तो उस पर उनके पिता द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया, न ही तब से इसे चुनौती दी गई, तो इसके आधार पर फिल्म बनाने के लिए किसी से सहमति लेने की भी कोई जरूरत नहीं जान पड़ती है। वहीं अपने डिटेल ऑर्डर में जस्टिस हरिशंकर ने कहा, भले ही यह मान लिया जाए कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है, पर यह अधिकार अभिनेता के लिए व्यक्तिगत है और यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत के बाद या उनके पिता को यह विरासत में मिला है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि फिल्म पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है जिस पर तब कोई चुनौती नहीं दी गई थी। ये जानकारियां पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी हैं और लपाला प्लेटफॉर्म पहले यह फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। अब तक हजारों लोगों ने देख भी लिया होगा, फिर इस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिल्म को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता, इसीलिए फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाना अनुच्छेद 1(a) के तहत प्रतिवादियों के अधिकार का हनन होगा। आदेश में न्यायमूर्ति हरिशंकर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दावे के अनुसार सेलिब्रिटी के अधिकारों के मुद्दे पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि वह अवधारणा को मान्यता देने वाले अन्य उच्च न्यायालयों के फैसले से सहमत नहीं हो सकते। मैंने ऐसे किसी भी न्यायिक प्राधिकरण को नहीं देखा है जो मेरे लिए बाध्यकारी मूल रखता हो। बेंच ने आगे कहा कि कानून खुद को सेलिब्रिटी कल्चर को बढ़ावा देने का जरिया नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्तिगत अधिकार सभी के लिए उपलब्ध है, न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए।